नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका अभिनंदन है। आज आपको हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो इलेक्शन के पीरियड में जो लाइसेंसी का शस्त्र जमा कराया जाता है उसके संबंध में जो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है उसका कुछ क्लियरिफिकेशन आपको हम दे देते हैं, ताकि आप जबरन जमा कराने की प्रक्रिया हो तो उसका आप जो है सो कानून सम्मत ढंग से प्रतिकार कर सकें। क्योंकि इधर देखने में आया है कि जब इलेक्शन होता है तो थाना वाले लोग समूचे मैंने जिला का मोहल्ले का शस्त्र जमा करा देते हैं। आप अजीब विडम्बना है भाई, लाइसेंसी का शस्त्र जमा हो गया, अपराधी के शस्त्र अपराधी के हाथ में है। तो चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है, ये लोग गलत ढंग से चुनाव आयोग का जो है सो नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम गलत ढंग से। तो हम उसको चुनाव आयोग का जो पत्र है जो डायरेक्शन है उसको हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हमको जो है सो ऑब्जर्वर जो आते हैं उन लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका लगता है, क्योंकि हम एमसीएमसी के मेंबर हैं। ये पत्रकार लोगों का एक ये है माने कमेटी है, उसमें वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन के तौर पर वो काम करते हैं। तो हमको इंटरेक्शन बराबर होता है, हर चुनाव में होता है, उन लोगों के साथ बैठना उठना होता है, तो लीगली हम डिस्कशन भी करते हैं बहुत से पॉइंट पर। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो ऑथेंटिक बता रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन सीरियल नंबर 67 ये चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, और ऑर्डर नंबर है इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नंबर 46496 डेटेड 13/3/1996 का है, वो अभी तक फॉलो होता रहा है। ये इंटायर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है, और जो सब्जेक्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन पोजेशन ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, और उनका ऑर्डर है। तो देखिए, किन किन लोगों का शस्त्र जमा होगा इस पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जनरल लोगों का नहीं होगा, किन किन लोगों का जमा होगा उसके बारे में इनका इंस्ट्रक्शन है। क्या है इंस्ट्रक्शन हम पढ़ देते हैं। दे कंसीडर इफ एसेंशियल, दे कंसीडर इफ एसेंशियल आर इम्पाउंडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दीज आर्म्स शुड बी डिपॉजिटेड विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एमंग केसेस विच मे नीड टू बी रिव्यूड आर द फॉलोइंग। अब किस किस कैटेगरी के लोगों का जमा होगा और किन वजह से जमा होगा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो एसेंशियल बहुत जरूरी हो जाए तो, पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल, वैसा आदमी जो बेल पर बाहर है, वैसे लाइसेंसी पर्सन हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, वैसे व्यक्ति जिनका इतिहास है आपराधिक घटनाकारिता करने का, एंड पर्सन प्रीवियसली इन्वॉल्व इन राइटिंग एट एनी टाइम बट स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, द अबव कैटेगरीज आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। और ये जो ऊपर पर तीन कैटेगरी दिए हैं ये उदाहरणार्थ है, और एक चीज पर्सन प्रीवियसली इन्वॉल्व इन राइटिंग एट एनी टाइम बट स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, वैसा आदमी जो इलेक्शन के टाइम में बूथ लूटने के लिए अपना लाइसेंसी बंदूक निकालते हैं उसके लिए स्पेशली ये दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए जो है सो एक डीएम जो है सो एक कमेटी बनाएंगे, और डीएम जो है सो इसको रिव्यू करेंगे। आफ्टर सच रिव्यू ऑल सच लाइसेंस होल्डर हु आर आइडेंटिफाइड
shall be directed to deposited their arms with the district administration during the period of 1 week from the last date of withdrawal of candidature. और वैसा आदमी रिव्यू करने के बाद कि ये लोग दागी है, उस आदमी का हथियार जमा होगा. समूचे एरिया में प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल बी इश्यूड बैनिंग द कैरिंग ऑफ लाइसेंस आर्म एज सून एज इलेक्शन इज अनाउंस्ड एंड शुड बी इफेक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. और समूचे, एक बात गौर कीजिए, जितने भी लाइसेंसिंग हैं, लाइसेंसी हैं, वो अपना लाइसेंसी हथियार भी लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि 144 लग जाता है. 144 जो है तो पर्सन और पर्संस दोनों के लिए है. बात को गौर कीजिए, एक व्यक्ति के लिए भी है और अनेक व्यक्ति के लिए है, पांच आदमी के लिए है, चार आदमी के लिए है. तो एकदम क्लियर कट है कि लाइसेंसी भी हैं तो वो अपने सुरक्षा के लिए जो पिस्टल रख लेते हैं, गाड़ी में राइफल रख लेते हैं, उनके लिए ये बैन है. और छूट किसको है? स्पोर्ट्समैन को छूट है, पॉकेट में लेके घूमने के लिए नहीं, मैच के लिए, प्रैक्टिस के लिए. याद रखिए, स्पोर्ट्समैन को छूट पॉकेट में लेके घूमने के लिए नहीं है, मैच के लिए रेंज पर जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, आपको छूट है. और एक आदमी को और छूट है. आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में एक प्रदेश ऐसा भी है जहां की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है कानूनन, वो है कुर्ग प्रदेश. कुर्गियन लोगों को स्पोर्टिंग आर्म्स रखने की छूट है बिना लाइसेंस का. तो उसके बारे में चुनाव आयोग ने अपने इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में साफ लिखा है, दिस बैन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज कम्युनिटीज हु आर एंटाइटल्ड टू डिस्प्ले वेपन्स बाय लॉन्ग स्टैंडिंग लॉ कस्टम एंड यूजेस. और ये कुर्ग वाले पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनका पहले से लॉन्ग स्टैंडिंग लॉ चला आ रहा है, उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. तो हम समझते हैं कि आज के लिए एनफ है, आप समझ गए होंगे. अगर यदि आप शांतिप्रिय आदमी हैं, जबरन आपका कोई जमा करा रहा है, तो उनसे मांगिए, भाई हमारे ऊपर पर क्या आरोप है, आप आरोप का लिस्ट दीजिए, हम जमा करेंगे. तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. थोड़ा हमसे लेट हो रहा है, वर्कलोड है, इसलिए हम आपसे नहीं मिल पा रहे हैं. अब कोशिश करेंगे कि कम से कम एक माह में 3-4 वीडियो हम डालें. थैंक्स, फिर मिलेंगे.